सरकार के तानाशाही तौर तरीकों, संविधान की उपेक्षा, संसद का अनादर, उनकी विभाजनकारी विचारधारा, विपक्ष के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाना और मीडिया को सताना जैसे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में कांग्रेस आगे रहकर संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों के झूठे फर्जी दावों, फ्रॉड और भ्रष्टाचार का हम सबूतों के साथ खुलासा कर रहे हैं। लोग अब समझ गए हैं कि 2014 के सबका साथ सबका विकास, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसे उनके वादे सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी और वोट हथियाने के साथ और वोट हथियाने की चाल थी, कुर्सी हथियाने की चाल थी। मैं उन राज्यों के अपने कार्यकर्ताओं की सच्चे दिल से तारीफ करना चाहती हूँ जहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं है, वहाँ हर तरह के अत्याचार झेल कर और तमाम तकलीफ उठाकर भी कांग्रेस के हमारे साथी राज्य सरकारों के अपराधों और उनकी असफलताओं को उजागर करने के लिए खूब संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी के 86वें इजलास को खताब करते हुए पार्टी के साबिक सरबराह सोनिया गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत 4 सालों में कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है। हुकूमत 71 के नशे में चूर होकर पार्टी को कमजोर करने की तमाम हुरबे इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मौजूदा हुकूमत के खोखले दावों और आवाम से किए गए वादों को उजागर करने का काम कर रही है। दिल्ली में मुनक्ता अजीम इजलास को खताब के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि हम सबों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, पार्टी जाति फायदे और ख्वाहिशात की तकमील का जरिया हरगिज नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने पर जोर देना होगा। कांग्रेस पार्टी सिर्फ सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि हमेशा बुलंद फिक्र और तहरीक का भी हिस्सा रही है।